I've fallen in love with I Love. I love you. Del bole, wow. कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भो मा ते संगोऽस्तु विकर्मणि जयद्रथ भी सूर्य की ओर देख रहा है और अर्जुन भी, किंतु दोनों के दृष्टिकोण अलग अलग हैं। जयद्रथ चाहता है कि सूर्यास्त हो जाए, कि केवल सूर्यास्त ही उसे मृत्यु से बचा सकता है, और अर्जुन चाहता है कि अभी सूर्यास्त न हो, क्योंकि सूर्य की किरणों के साथ स्वयं उसके जीवन की डोर अटकी हुई है। इसलिए ये सूर्यास्त बहुत ही महत्वपूर्ण है। 12 दिनों के इस युद्ध में ये तो अवश्य हुआ है कि कभी इस सेना ने सूर्य की ओर देखा है और कभी उस सेना ने, परंतु आज दोनों सेनाएं एक साथ सूर्य की ओर देख रही हैं, और वो जो नेत्रहीन है वो भी सूर्य से आस लगाए बैठा है। तुम्हारा मन क्या कहता है संजय? क्या अर्जुन सूर्यास्त से पहले जयद्रथ वध करने में सफल हो जाएगा? महाराज, रणभूमि में मन का कहा नहीं चलता। ये तो मैं भी जानता हूं संजय, किंतु तुम युद्ध देख रहे हो, अनुमान तो लगा सकते हो।
यदि जयद्रथ आज बच जाए तो फिर ये युद्ध भी आज समाप्त हो जाए, क्योंकि अर्जुन तो अपने वचन का धनी है, वो अवश्य ही अग्नि समाधि ले लेगा। और फिर युधिष्ठिर उस शोक में टूट जाएगा। किंतु यह भी तो हो सकता है राजन कि पांडुपुत्र अर्जुन सिंधु नरेश का वध करने में सफल हो जाएं। हां, ऐसा भी हो सकता है, किंतु जब तक ऐसा ना हो जाए तब तक मैं ये चाह तो सकता हूं कि ऐसा ना हो, किंतु अर्जुन के ना होने का लाभ उठाकर आचार्य द्रोण युधिष्ठिर को बंदी तो बना सकते हैं। यदि ऐसा हो जाए तो जयद्रथ वध के उपरांत भी यह युद्ध समाप्त हो जाएगा। आचार्य द्रोण कर क्या रहे हैं? इस समय तो धृष्टद्युम्न और आचार्य द्रोण में युद्ध चल रहा है महाराज। आखेटक से उसका आखेट नहीं छीनना चाहिए सात्विकी। रणभूमि में सभी आखेटक भी होते हैं आचार्य, और आखेट भी। हे ब्राह्मण, ये पाठशाला नहीं है, रणभूमि है। अपने अहंकार के रथ से नीचे उतरो, क्योंकि रथ तो क्षत्रियों की सवारी है। महारथी सात्यकी अब थकने लगे हैं प्रधान सेनापति दृष्टद्युम्न, और यदि सहायता ना भेजी गई तो वे अवश्य ही आचार्य के हाथों वीरगति को प्राप्त हो जाएंगे। जो आज्ञा। आक्रमण! आक्रमण! Thank you.
तो वासुदेव के शंख की ललकार है प्रिय भीम, किंतु इसी के साथ मेरे प्रिय अर्जुन की प्रत्यंचा की टंकार क्यों नहीं गुंजी? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा प्रिय अर्जुन वीरगति को प्राप्त हो गया हो और क्रोध में आकर वासुदेव ने शस्त्र उठा लिया हो? प्रिय भीम, तुम जाओ। क्षमा चाहता हूं भ्राता शिविर, किंतु आपकी सुरक्षा अर्जुन की सुरक्षा से अधिक आवश्यक है। हे सातकी, मैं देख रहा हूं कि तुम बहुत घायल हो, किंतु फिर भी तुमसे कहता हूं कि अर्जुन की सहायता के लिए तुम जाओ। छोटे भैया के साथ वासुदेव है भ्राताश्री। फिर भी सातकी, आपकी आज्ञा शिरोधार्य महाराज, किंतु स्वयं कुंती पुत्र अर्जुन ही मुझसे कह गए थे, हे सात्यकी, मेरे लौट आने तक तुम भ्राताश्री के पास से न हटना। और मैंने भी उन्हें यह वचन दिया था कि उनके लौटने तक मैं उनके स्थान पर आपकी सुरक्षा के लिए खड़ा रहूंगा। वो वृद्ध ब्राह्मण हम में से किसी एक के वश में आने वाला नहीं है, और इस बात में मैं बलवान भीम से सहमत हूं कि आपकी सुरक्षा अर्जुन की सुरक्षा से कहीं अधिक आवश्यक है। और फिर यह भी सोचिए महाराज कि जिसके साथ स्वयं वासुदेव हों, भला उसे किसी और की सहायता की क्या आवश्यकता हो सकती है। मैं फिर भी चाहता हूं महारथी सातकी कि तुम जाओ। जो आज्ञा। चलो सारथी। प्रधान सेनापति की जय हो। क्या समाचार लाए हो सैनिक? सात्यकी सेना की टुकड़ी लेकर अर्जुन की सहायता के लिए चल पड़े हैं। आक्रमण! हे भगवान, गांडीव की टंकार सुनवाइए। आप घबराइए मत भ्राताश्री, प्रिय अर्जुन के साथ स्वयं वासुदेव हैं। ये तो मैं भी जानता हूं अनुज, किंतु गांडीव की टंकार क्यों नहीं सुनाई दी? महारथी सात्यकी भी लौट कर नहीं आए। हे प्रिय भीम, मेरी चिंता छोड़ो, अर्जुन के पास जाओ। प्रिय भीम, अर्जुन के पास जाओ। किंतु भ्राताश्री, ये तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता और तुम्हारे राजा का आदेश है। जो आज्ञा। हे पांचाल, ये तो तुम जानते ही हो कि आचार्य द्रोण भ्राताश्री को बंदी बनाने का संकल्प लेकर आए हैं, और भ्राताश्री मुझे अर्जुन की सहायता के लिए भेज रहे हैं। मैं उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता, इसलिए भ्राताश्री की सुरक्षा आपका दायित्व है। आप चिंता न करें मजले भैया, जेस भ्राताश्री को बंदी बनाने के लिए आचार्य द्रोण को हमारा शव पार करना पड़ेगा। चलो सारथी। हे महारथी, भीम अर्जुन की सहायता के लिए जा रहा है। भीम का वहां पहुंच जाना हमारे लिए शुभ नहीं है, इसलिए मैं तो युधिष्ठिर को रोकता हूं, आप भीम को रोकिए। जो आज्ञा आचार्य वर। सारथी, रथ भीम की ओर ले चलो। रुक जाओ भीम, युद्ध करना है तो मुझसे युद्ध करो। इन साधारण सैनिकों से क्या युद्ध कर रहे हो? चढ़ती नदी के सामने जो आता है बह जाता है महारथी। किस शस्त्र का प्रयोग करोगे?
करना है तो दूसरी गदा लो महारथी, नहीं तो चुपचाप अपने रथ पर बैठो और मेरे सामने से हट जाओ। सारथी रथ आगे लो। कहां जा रहे हो कुंती पुत्र? ठहरो, मुझे पराजित किए बिना तुम अर्जुन की सहायता के लिए नहीं जा सकते हो। अर्जुन तो मेरी आज्ञा लेकर चला गया, मैं तुम्हें जाने की आज्ञा नहीं दूंगा। अर्जुन आपकी आज्ञा लेकर नहीं गया था, वो आपको विवश करके गया था। यदि आप हमारे गुरु न रहे होते तो वो आपका वध करने के पश्चात जाता, और यदि आपने मेरा मार्ग रोका तो मैं आप में अपने गुरु को नहीं शत्रु सेना के प्रधान सेनापति को देखूंगा, और आपको पराजित करना मेरा धर्म है। सावधान। पुत्री, सूर्यदेव से कहो कि जिस जयद्रथ के कारण सात कायरों ने मिलकर तेरे माथे की बिंदिया मिटाई है, उसके वध का दृश्य देखे बिना आज अस्त न हो। सच तो ये है पुत्री कि अभिमन्यु वध के पश्चात उन्हें उदय ही नहीं होना चाहिए था। सूर्यदेव की ओर देख पुत्री, उनसे मांग करना तेरा अधिकार है, क्योंकि यदि आज जयद्रथ वध से पहले सूर्यास्त हो गया तो रणभूमि कुरुक्षेत्र में सेनानियों के शवों के साथ साथ धर्म का शव भी पड़ा दिखाई देगा। सूर्यदेव की ओर देख पुत्री, देख सूर्यदेव की ओर। हे सूर्यदेव, मेरे पुत्र महारथी अभिमन्यु की विधवा उत्तरा का प्रणाम स्वीकार कीजिए। आपने सात कायरों के हाथों उसके वध का दृश्य तो चुपचाप देख लिया, तो आज अपनी गति धीमी क्यों नहीं करते? कहे पुत्री, चुप क्यों है? कहे इनसे। मैं भी देखती हूं कि ये तेरी प्रार्थना का सागर पार करके आज कैसे अस्त होते हैं। आज सूर्यास्त क्यों नहीं हो रहा है संजय? कदाचित सूर्यदेव ये युद्ध देखने के लिए ठहर गए हैं महाराज। कुंती पुत्र भीम आचार्य के 8 रथ तोड़ चुके हैं। अपने गुरु का यूं अपमान करना भीम को शोभा नहीं देता संजय। वे इस समय गुरु और शिष्य नहीं है महाराज, वे तो प्रतिद्वंदी हैं। कुंती पुत्र भीम आचार्य को टूटे हुए रथ के पास जीवित छोड़ के आगे बढ़ गए महाराज। रुक जाइए भ्राता भीम। सारथी रुको, तुम मेरा मार्ग ना रोको अनुज, क्योंकि तुम्हारा वध करके मुझे बहुत दुख होगा।
क्योंकि तुम धर्म की परिभाषा जानते हो। दुर्योधन का अहंकार मेरे हाथों तुम्हारे 20 भाइयों का वध करवा चुका है, इसलिए मेरा मार्ग न रोको अनुज, मेरे मार्ग से हट जाओ। आप जानते हैं भ्राता भीम कि आज मैं आपके सामने से नहीं हट सकता। किंतु तुम तो ये भी जानते हो अनुज कि युद्ध में तुम विजय नहीं पा सकते। मैं जानता हूँ, मैं ये भी जानता हूँ कि इस युद्ध में हस्तिनापुर की पराजय निश्चित है, फिर भी मैं आपको आगे नहीं जाने दूंगा। मैं भ्राता श्री दुर्योधन को नहीं त्याग सकता, इसलिए प्राण त्यागने के लिए मैं आपके सामने खड़ा हूँ। मुझे आगे बढ़ जाने दो अनुज, मैं भूला नहीं हूँ कि तुमने दुर्योधन का द्रुत क्रीड़ा में किस तरह विरोध किया था। वो भी मेरा कर्तव्य था भ्राता भीम, और आज आपसे युद्ध करने खड़ा हूँ ये भी मेरा कर्तव्य है। तो ठीक है, फिर तुम अपने कर्तव्य का पालन करो। मैं अपने कर्तव्य का पालन करता हूँ। सावधान। रथ आगे लो। तनिक ठहरो सर्वश्रेष्ठ गदाधर भीम, तनिक ठहरो। मैं अपने 21 भाइयों के रक्त में नहाए हुए शूरवीर को आंख भर के तो देख लूं। जो स्त्री 5-5 पुरुषों के साथ रहती हो वो पत्नी नहीं वेश्या होती, और वेश्या का मान क्या और अपमान क्या, ये यहां नग्न भी लाई जाती तब भी अनुचित ना होता।
कुंती पुत्र, तुमसे इस कायरता की आशा न थी। सात्विकी से मेरा युद्ध चल रहा था और तुमने पीछे से आघात किया। ये कायरता तुम्हें किसने सिखाई? क्या आचार्य द्रोण ने या आचार्य कृप ने या तुम्हारे सारथी वासुदेव ने? वीरता और कायरता के विषय में बोलना आपको शोभा नहीं देता है महावीर। क्या ये कायरता नहीं? क्या आप एक मूर्छित योद्धा का वध कर रहे थे? क्या मेरे पुत्र अभिमन्यु के शव पर चारों ओर नाचना उन वीरों को शोभा देता था? क्या वो वीरता थी? आप मुझसे कुछ मांगने आई थी और मैं आपको दे नहीं पाया, इसलिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। किंतु मैं आपको रीते हाथ नहीं जाने दूंगा। आप 5 पुत्रों की माता हैं और ये तो मेरे, आपके और सूर्यदेव के अतिरिक्त कोई नहीं जानता कि आप 6 पुत्रों की माता हैं। तो हे माता, युद्ध का परिणाम जो भी हो, आपके 5 पुत्र जीते अवश्य रहेंगे। यदि मैं वीरगति को प्राप्त हो गया तो अर्जुन बचेगा, और यदि वो वीरगति को प्राप्त हो गया तो मैं रहूंगा। आपके पुत्रों की गिनती नहीं बिगड़ेगी माते, नहीं बिगड़ेगी। संजय, क्या केवल एक ही दिन में मेरे 21 पुत्रों के शव देखकर भी सूर्यदेव का जी नहीं भरा? क्या भी आज मेरे शेष पुत्रों के शव देखे बिना अस्थि नहीं होंगे? अब सूर्यास्त होने ही वाला है महाराज। पता नहीं गांधारी को यह सूचना कब और किससे मिलेगी कि उसके पुत्रों की गिनती दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। संजय, मुझे यह बताओ कि भीम और दुर्योधन के बीच की दूरी कितनी है? कुंती पुत्र भीम को तो अंगराज कर्ण ने उलझा रखा है महाराज। और दुर्योधन? वो और कुमार दुशासन साथ साथ हैं। ये निर्णायक घड़ियां हैं दुशासन। यदि आज सूर्य अस्त हो गया और तब तक अर्जुन सिंधु नरेश का वध नहीं कर सका, तब तो उसे अग्नि समाधि लेनी ही पड़ेगी। और यदि इस रणभूमि में अर्जुन ही नहीं होगा, तब इस युद्ध में हमारी विजय निश्चित है। दुशासन, जाओ सिंधु नरेश की रक्षा करो। जो आज्ञा भ्राताश्री। चलो सारथी। हे सूर्यदेव, आज शीघ्र ही अस्त हो जा।
अग्नि समाधि ले लो। अग्नि समाधि कब लोगे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन, बताओगे नहीं? अरे बताओ। अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है पार्थ, वो रहा सूर्य और ये जयद्रथ। जयद्रथ अभी सूर्यास्त नहीं हुआ। जयद्रथ भाग, मेरे अभिमन्यु का वध तूने किया था। प्राण पूरा कर पार्थ ने सिद्ध किया संधा, जयद्रथ पितु संग मर मिटा, बचे पार्थ के प्राण। 14वें दिन का युद्ध अन्य दिनों के युद्ध से एक जरा अलग है। युद्ध के नियम तो आज से पहले भी तोड़े गए, जिसकी सबसे साफ मिसाल एक ओर भीष्म की शैया है और दूसरी ओर अभिमन्यु का वध, जिसे 7 महारथियों ने घेर कर मार दिया। किंतु आज जो हुआ वो आने वाले दिनों की बात बताता है कि शायद इस युद्ध के समाप्त होते होते कोई नियम टूटने से नहीं बचेगा। अभी तक एक आध योद्धा कोई नियम तोड़ रहा था, लेकिन आज दोनों सेनाओं के हर योद्धा और हर सैनिक ने सूर्यास्त का आदर नहीं किया और सूर्यास्त के बाद भी लड़ाई चलती रही। जयद्रथ के वध के बाद भी सूरज डूबा, किंतु युद्ध की समाप्ति का शंख नहीं बजा और मशालें जल उठी। तभी कुछ ऐसा तूफान सा आया कि कौरव सेना में अचानक ही भगदड़ मच गई। सबने मशालों की रोशनी में देखा, उनके आगे एक पहाड़ नुमा विशालकाय व्यक्ति खड़ा है और सबकी सांस उसे देखकर जैसे रुक गई। वो था भीम और हिडिंबा का पुत्र घटोत्कच, जो अभी अभी युद्ध भूमि में आया था। Ha 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 ha
आचार्य, इन पांडवों की सेना में दिन भर युद्ध करने के उपरांत एकदम से इतनी शक्ति कहां से आ गई? ये तो असुरों की युद्ध शैली दिखाई देती है। असुर? ये असुर कहां से आ गए? ये कौन योद्धा है गुरुदेव? ये तो मेरी सेना को यूं फाड़ रहा है जैसे पवन कई को फाड़ देती है और जैसे सौदामिनी छतनार वृक्ष को गिरा देती है। ये भीमपुत्र घटोत्कच के अतिरिक्त और कोई नहीं हो सकता राजकुमार दुर्योधन। वीरता की बड़ी कथाएं सुनी है। भीम पुत्र घटोत्कच की ओर से ये पुरस्कार ग्रहण कीजिए। गुरुदेव, युद्ध की समाप्ति का शंख बजाइए, नहीं तो यह भीम पुत्र किसी को जीवित नहीं छोड़ेगा। पुत्र, भ्राता श्री, ये मेरा पुत्र घटोत्कच है। यशस्वी भव पुत्र, यशस्वी भव। कीर्तिवान भव। आयुष्मान भावा पुत्र, वीर अभिमन्यु के वीर गति को प्राप्त होने के उपरांत जो स्थान रिक्त हुआ है, मैं उस स्थान के योग्य तो नहीं, इसलिए पुत्र न सही सेवक मानकर मुझे स्वीकार कीजिए। ये तुमने क्या कह दिया पुत्र, ये तुमने क्या कह दिया? तुम तो अभिमन्यु से बड़े हो पुत्र, और तुम अपना स्थान स्वयं ग्रहण करोगे। यदि ऐसा है तो हे जेष पिताश्री, जब परिवार संकट में था तो आपने इस सेवक को युद्ध में भाग लेने का आदेश क्यों नहीं दिया? मैं मानता हूं कि मेरी माता क्षत्राणी नहीं है, किंतु जो तुम जैसे महावीर को जन्म दे वो आदरणीय नारी क्षत्राणी ना भी हो तब भी क्षत्राणी ही है, क्योंकि नागफनी के पौधे पर चमेली का फूल तो नहीं आ सकता। हे पुत्र, कोई जन्म से ब्राह्मण या क्षत्रिय नहीं होता, तुम वीरों की जाति के हो क्योंकि तुम महावीर हो। हे चक्रधारी, हे गिरिधर, हे नरों में नारायण, यदि ऐसा है तो माता द्रौपदी के पुत्रों और माता सुभद्रा के पुत्र की भांति मैं यहां क्यों नहीं था? हे पुत्र, सबके आने और जाने का एक उचित समय होता है, तुम यहां ठीक समय पर आए हो। और हे महावीर, भारतवर्ष के भविष्य के लिए तुम सदैव आदरणीय रहोगे और क्षत्राणियों के पुत्र
तुम्हें सदैव आदर सहित प्रणाम करते रहेंगे। तुम भारत हो और भरत वंश कभी तुम्हारा ऋण नहीं चुका पाएगा। प्रणाम। धन्य है वो माता जिसने तुम जैसे पुत्र को जन्म दिया हो। मैं वासुदेव कृष्ण उन्हें प्रणाम करता हूं। हे माता, मेरे पुत्र को अपने आशीर्वाद की छाया दीजिए। माता, लंबी आयु का वरदान तो मैं नहीं मांग रही हूं, क्योंकि लंबी आयु तो कायरों की भी हो सकती है। मैं अपने पुत्र के लिए जीवन का एक ऐसा क्षण मांग रही हूं जिसको देखकर बड़े बड़े शूरवीर लज्जा जाएं। प्रणाम। क्या समाचार लाए हो? भीम पुत्र ने कौरव सेना के छक्के छुड़ा दिए। वे ऐसे समय पे पहुंचे जब युद्ध की तुला के दोनों पल्ले समान थे। उनके पहुंचते ही पांडव सेना का पल्ला भारी पड़ने लगा। उनके वाहनों ने आचार्य द्रोण और दानवीर कर्ण तक को घायल किया। दुर्योधन के हाथ पांव फूल गए और उसने घबराकर आचार्य द्रोण से कहकर युद्ध की समाप्ति करवा दी। तो उसके पिताश्री तो अति प्रसन्न हुए होंगे। उन दोनों की भेंट तो मैं नहीं देख पाया, परंतु मैंने जो देखा उस पर असुर जाति सदैव गर्व करेगी। वासुदेव कृष्ण ने कहा, हे पुत्र, जो तुम जैसे महावीर को जन्म दे वो आदरणीय नारी छत्रानी न हो तो भी छत्रानी होगी, क्योंकि नागफनी के पौधे पर चमेली का फूल नहीं आता। और फिर उन्होंने कहा, हे पुत्र, तुम वीरों की जाति के हो, किंतु वासुदेव की एक बात मेरी समझ में नहीं आई। ऐसा क्या कह दिया उन्होंने? उन्होंने कहा, हे पुत्र, सबके आने और जाने का एक उचित समय होता है। तुम ठीक समय पर आए हो। भरत कुल कदापि तुम्हारा ऋण नहीं चुका पाएगा। ऐसा कहा उन्होंने? हाँ, यही तो बात मेरी समझ में नहीं आई कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। हे माता, तुमने अपनी इस भक्तिनी की लाज रख ली, मेरी ममता का मान बढ़ा दिया। मैं अपने पुत्र के लिए यही एक क्षण तो मांग रही थी। अब मैं भरत वंश की कुल वधुओं के साथ बैठ सकती हूँ। क्षत्रिय होता कर्म से बढ़े वंश की शान, वीर पुत्र से सर्वदा बढ़ता माँ का मान, बढ़ता माँ का हुआ। कुंती, सैनिक एक दूसरे सैनिक का शव लिए जा रहे हैं। दीदी, तुमने जिसके ओर से भी युद्ध किया हो तुम मेरे अपने हो। भरत वंश की ये दोनों ही कुलवधुएं तुम्हारी ऋणी है सैनिक। क्या हुआ?
प्रणाम दादी। मैं तुम्हें क्या आशीर्वाद दूं? मैं तुम दोनों ही का सामना नहीं कर सकता। ये जो कुछ हो रहा है उसके लिए मैं अपने आप को कहीं ना कहीं उत्तरदायी मानता हूं। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं दादी? भरतवंश के भाग्य में यही लिखा था, तो आप क्या करें? भाग्य तो कर्म फल है पुत्री। मैंने एक प्रतिज्ञा बोई थी, ये सब उसी का परिणाम है। मैं वो वर्तमान हूं पुत्री, जो अपने अतीत से भी लज्जित है और अपने भविष्य से भी। और ये मेरा दंड है कि मैं इस बाढ़ों की शैया पर लेटा लेटा उस भरत वंश के सर्वनाश का दृश्य देख रहा हूं, जिसे बचाने के लिए मैंने अन्याय का पक्ष लिया। और मेरी विवशता देखो पुत्री, कि मेरी वही प्रतिज्ञा मुझे प्राण त्यागने की आज्ञा नहीं दे रही, क्योंकि जितना मेरा हस्तिनापुर आज आरक्षित है उतना आरक्षित पहले कभी नहीं रहा। मैं आपकी विवशता समझती हूं ताजी, किंतु मैं वासुदेव को कभी क्षमा नहीं करूंगी। यदि वो सचमुच चाहते तो इस युद्ध को रोक सकते थे। चाहे दुर्योधन वीरगति को प्राप्त हो, चाहे युधिष्ठिर, किंतु आग तो मेरी ही कोख में लगनी है। आप ही बताइए ताजी, मेरी ममता कितने शवों का बोझ ढो सकती है? शोक चाहे मैं प्रकट करूं, चाहे कुंती, किंतु हम दोनों की आंखों से एक ही आंसू बह रहे होंगे, एक ही आंसू बह रहे होंगे ताश्री, एक ही आंसू बह रहे होंगे। परंतु ये न भूलो पुत्री कि वासुदेव भरत वंश में सीमित नहीं है। भरत वंश में तो कदाचित हम में से कोई भी सीमित नहीं है ताश्री, ना आप, ना जयश्री, ना दीदी और ना मैं। जैसे हर क्षण क्षण भी होता है और काल के महासागर की एक बूंद भी, वैसे ही हर व्यक्ति भी केवल व्यक्ति ही नहीं होता। यदि मैं केवल कुंती होती ताजश्री, तो आज अपने पुत्रों के शिविर में होती। दीदी केवल गांधारी होती तो दुर्योधन को विजय श्री का आशीर्वाद दे चुकी होती। हम सब एक श्रृंखला के बीच की कड़ी हैं। जो बीत गया हम उसके उत्तराधिकारी हैं, और जो बीतने वाला है उसके उत्तरदायी। हम वर्तमान है दाजरी, हम वर्तमान है, जिसका आरंभिक क्षण आप है, और हम सभी वाणों की शैया पर है। आपकी शैया दिखाई दे रही है ताजश्री, मेरी और दीदी के वाणों की शैया दिखाई नहीं दे रही है। इसीलिए तो हम दोनों आपके पास इस पीड़ा को उपचार पूछने आई है ताजश्री। आप वासुदेव की बात ना कीजिए, उन्हें तो दुख सुख का सागर भिगो ही नहीं सकता, किंतु दीदी तो वासुदेव नहीं, मैं तो वासुदेव नहीं, और ये पीड़ा हमारी सहन शक्ति की सीमाएं पार कर चुकी है ताजश्री।
दीदी क्या करे ताश्री, मैं क्या करूं ताश्री, मैं क्या करूं। तुम भी वही करो पुत्री जो मैं कर रहा हूं, प्रतीक्षा। प्रतीक्षा? किसकी प्रतीक्षा ताश्री? युद्ध के अंत की, हस्तिनापुर की सुरक्षा की प्रतीक्षा करो पुत्री। और ये समझ लो कि न मेरा कोई महत्व है, न तुम्हारा, न ही अर्जुन का, न ही दुर्योधन का। महत्वपूर्ण केवल हस्तिनापुर और उसकी सुरक्षा है पुत्री। ये मत सोचो कि विजय का अमृत कौन पिएगा और पराजय का विष कौन। केवल हस्तिनापुर के विषय में सोचो पुत्री, पीड़ा कम हो जाएगी। चिंता अपनी छोड़ कर रखी राष्ट्र का ध्यान, धन्य धन्य इस भूमि के भीष्म सपूत महान, भीष्म सपूत महान। भारत भूमि अखंड हो रहे सुरक्षित देश, युग युग तक जीवित रहे यही अमर संदेश, यही अमर संदेश। प्रणाम माता श्री। आयुष्मान भव पुत्र। मुझे लंबी आयु नहीं चाहिए माता श्री, मुझे विजय चाहिए। विजय? विजय तो मेरे पास नहीं है पुत्र। क्या आप जानती हैं माता श्री कि अब आप कितने पुत्रों की माता रह गई हैं? माताएं अपने पुत्रों के शव नहीं गिनती। अब आप केवल दो पुत्रों की माता रह गई हैं। तो जो आशीर्वाद मैं दे रही हूं पुत्र, वो आशीर्वाद ले लो। और जो आशीर्वाद मैं दे नहीं सकती, उस आशीर्वाद को लेने की हद छोड़ो। हे पुत्र, यदि हस्तिनापुर है तो हम सब हैं, और यदि हस्तिनापुर नहीं है तो हम में से कोई भी नहीं है। इसलिए पुत्र, हस्तिनापुर के विषय में सोचना सीखो, और हो सके तो अब भी संधि का कोई ना कोई मार्ग खोजने का प्रयत्न करो पुत्र। कभी नहीं, कदापि नहीं माता श्री। यदि वे भाई होने के नाते कुछ मांगते तो संभवतः मैं उन्हें कुछ दे भी देता, परंतु यदि वे अपना अधिकार जताना चाहते हैं तो मैं उनके अधिकार को मानने को तैयार नहीं हूं। और यदि आप भी संधि चाहती हो माता श्री, तो जाइए, हस्तिनापुर लौट जाइए। नहीं पुत्र, अब तो मैं युद्ध के अंत तक यहीं रहूंगी। महारानी की जय हो। पांडु कुमार चरण स्पर्श के लिए आने की आज्ञा चाहते हैं।
उन्हें आने के लिए क्यों रोका? माता के पास आने के लिए पुत्रों को आज्ञा की आवश्यकता नहीं होती। जाओ उन्हें तुरंत ले आओ। जो आज्ञा। इस बात का ध्यान रखना पुत्र कि वो तुम्हारे भाई हैं, और लाठी मारने से पानी अलग नहीं होता। लाठी मारने से पानी अलग होता है माता श्री, और पानी अलग हो चुका है। युधिष्ठिर तुम्हारा ज्येष्ठ भ्राता है, उसे प्रणाम करना। हाँ। प्रणाम। आयुष्मान भव अनुज। प्रणाम ज्येष्ठ माता श्री। धर्म प्रतीक भव पुत्र। प्रणाम ज्येष्ठ माता श्री। आयुष्मान भव। प्रणाम बड़ी मां। आयुष्मान भव। प्रणाम बड़ी मां। यशस्वी भव। प्रणाम बड़ी मां। यशस्वी भव। हम अपने 98 भाइयों और आपके पुत्र अभिमन्यु की मृत्यु पर शोक प्रकट करने आए हैं ज्येष्ठ माता श्री। मेरे और दुशासन के पुत्रों की मृत्यु पर भी शोक प्रकट कर लीजिए ज्येष्ठ भ्राता श्री, क्योंकि क्या पता कि फिर शोक प्रकट करने का अवसर मिले या ना मिले। और ध्यान रहे कि युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ है। जब तक मेरी प्रतिज्ञा पूरी ना हो जाए तब तक युद्ध समाप्त हो भी नहीं सकता दुर्योधन, और पांचाली के खुले हुए केश तब तक युद्ध को समाप्त होने भी नहीं देंगे। प्रिय भीम, क्षमा चाहता हूं ज्येष्ठ माता श्री, किंतु मैं क्या करूं? दुर्योधन और दुशासन में से जब भी कोई सामने पड़ जाता है तो मुझे वो हस्तिनापुर राज्यसभा का अश्लील दृश्य याद आ जाता है। अपने क्रोध को जीतने का यत्न करो अनुज भीम। नहीं भ्राता श्री, नहीं। धर्म युद्ध में क्रोध भी एक शक्तिशाली शस्त्र है, और हम में से कोई भी कुछ भी भूलने को तैयार नहीं है। क्या ये भूलने की बात है कि मेरे पितामह मेरे वाणों की शैया पर लेटे हुए हैं? क्या ये भूलने की बात है कि भ्राता दुर्योधन के कारण हमें अपने 98 भाइयों का वध करना पड़ा? क्या मैं ये भूल जाऊं कि 7 मारुतियों ने मिलकर मेरे निहत्ते और घायल पुत्र को घेर कर मार डाला? भूलने की बात तो ये भी नहीं है प्रियानुज कि एक क्षत्रिय इतिहास में तुम ही ऐसे 5 क्षत्रिय हो जिन्होंने अपनी पंचायती पत्नी को दांव पर लगाया था। यदि ज्येष्ठ माता श्री सामने न होती भ्राता दुर्योधन, तो ये कहने पर मैं तुम्हारी जीवा खींच के तुम्हारे गले में लपेट देता। नकुल, अपनी इस असभ्यता के लिए ज्येष्ठ माता श्री और भ्राता दुर्योधन से क्षमा मांगो। ज्येष्ठ माता श्री से तो मैं कुछ भी मांग लूंगा, लेकिन इनसे कुछ नहीं मांगूंगा, न क्षमा न आशीर्वाद। तो शिविर से बाहर जाकर मेरी प्रतीक्षा करो। युधिष्ठिर। जी बड़ी माँ। तुम कौन होते हो मेरे प्रिय नकुल को शिविर से निकालने वाले? क्षमा चाहता हूँ बड़ी माँ। मुझे आज्ञा दीजिए माता श्री, मुझे आचार्य द्रोण के साथ बैठकर कल के लिए रणनीति तैयार करनी है। प्रणाम माता श्री। प्रणाम ज्येष्ठ भ्राता श्री। अब हमें भी आज्ञा दीजिए बड़ी माँ। अभी हमने माता श्री के चरण स्पर्श नहीं किए हैं, और उस युद्ध की आज्ञा दीजिए जिससे हमने भारतवर्ष और भारतवंश को बचाने का बड़ा प्रयत्न किया। क्या विजय श्री का आशीर्वाद नहीं मांगोगे पुत्र? जी नहीं। क्यों? क्योंकि मैं आपको धर्म संकट में नहीं डालना चाहता। प्रणाम बड़ी मां। प्रणाम ज्येष्ठ माता श्री। प्रणाम बड़ी मां।
प्रणाम बड़ी माँ, प्रणाम बड़ी माँ। यही तो धर्म संकट है पुत्र। मैं ये जानती हूं कि रणभूमि कुरुक्षेत्र के उस पार तुम्हारा शिविर है, किंतु भरत वंश की मर्यादा मुझे उस शिविर में जाने की आज्ञा नहीं देती पुत्र। यदि मैं भी चली जाऊं तो दीदी बिल्कुल अकेली पड़ जाएंगी पुत्र। हे पुत्र, किसी माता की आंखों के पास भी 100 पुत्रों पर रोने के लिए आंसू नहीं हो सकते, तो मैंने अपनी आंखें और उनके आंसुओं का सारा कोष उन्हीं को दे दिया है पुत्र। हम दोनों माएं अपने आंसुओं की दलदल में धंसी खड़ी हैं पुत्र। तुम लोग अपने धर्म और अपने कर्तव्य का पालन करो पुत्र, और मुझे अपने धर्म और अपने कर्तव्य का पालन करने दो। ये न भूलो पुत्र कि तुम्हारी माता होने से पहले मैं भरत वंश की कुल वधु हूं, और इस नाते हस्तिनापुर से बंधी हुई हूं। मेरी मुक्ति का मार्ग हस्तिनापुर से ही निकलेगा पुत्र, इसलिए मेरी चिंता ना करो, हस्तिनापुर के विषय में सोचो। और हे युधिष्ठिर, रणभूमि में मेरे सहदेव का अधिक ध्यान रखना। पांचाली आपके चरण स्पर्श करना चाहती है माताश्री। नहीं पुत्र, द्रौपदी का यहां आना उचित नहीं है, उसे मेरा आशीर्वाद देना और कहना कि उससे तो युद्ध की समाप्ति के उपरांत ही मिलना हो सकेगा। हे अर्जुन, क्या तुम ये बता सकते हो कि युद्ध कब समाप्त होगा? 3 तो नहीं बता सकता माताश्री, किंतु ये अवश्य कह सकता हूं कि जब तक दुर्योधन, दुशासन, गंधर्व, नरेश, शकुनी और सूत पुत्र कर्ण में से कोई एक भी जीवित है, तब तक ये युद्ध समाप्त नहीं हो सकता। अधर्म और असभ्यता के इन चारों स्तंभों को गिरना आवश्यक है माताश्री, आवश्यक है। कर्ण ने क्या किया है पुत्र? वो तो दुर्योधन का ऋणी है और वही ऋण उतारने का प्रयत्न कर रहा है। दुर्योधन का कोई भी ऋण उतारने के लिए द्रौपदी को वेश्या कहना आवश्यक नहीं था माताश्री। मैं तो घटोत्कच के विषय में सोचते सोचते थक गया, किंतु मेरी समझ में उसके लिए कोई उपाय नहीं आ रहा। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं गुरुवर कि हम जो अर्जुन भीम से युद्ध करने आए हैं, हम वो युद्ध उस राक्षस के हाथों हार जाएंगे? मैं जय पराजय की बात नहीं कर रहा हूं दुर्योधन, ये समझ लो कि घटोत्कच एक अचूक अस्त्र है जो पांडवों के हाथ लग गया है। उसे पराजित करने के लिए किसी दिव्यास्त्र की आवश्यकता होगी। दिव्यास्त्र? मेरी ओर यूं ना देखो मित्र, इंद्र की दी हुई शक्ति मैंने अर्जुन के लिए बचा रखी है। घटोत्कच का उपाय या तो तुम स्वयं करो या फिर आचार्य सोचें। Thank you.
मैं तुमसे यह पूछने आया हूं मित्र कि स्वयं अपने रक्त में नहाया हुआ तुम्हारा ये मित्र तुम्हें कैसा लग रहा है। अब थोड़ी देर के पश्चात ना तो तुम्हारा ये मित्र रहेगा और ना ही उसकी सेना। फिर तुम इस रणभूमि में अर्जुन को ढूंढते रहना। यदि तुम्हारे लिए अर्जुन का महत्व तुम्हारे मित्र दुर्योधन से अधिक है तो जाओ, मैं तुम्हें अपनी मित्रता के बंधन से मुक्त करता हूं। ऐसा ना कहो मित्र, ऐसा ना कहो। Shri.
मेरा अंतिम तुम मेरे वीर पुत्र के वीर गति प्राप्त होने पे हंस रहे हो कृष्ण? मैं उसके वीर गति को प्राप्त होने पर नहीं हंस रहा हूं मजले भैया। मैं तो ये सोचकर प्रसन्न हो रहा था कि आज अर्जुन बच गया। जिस दिन से ये युद्ध आरंभ हुआ है उसी दिन से मैं इस चिंता में था कि कर्ण के पास इंद्र की शक्ति है जिसे कोई कवच नहीं रोक सकता, और इसीलिए मैं कई दिनों तक अर्जुन को कर्ण के सामने नहीं आने दे रहा था। अब आप ही बताइए मजले भैया कि यह शोक की घड़ी है या आनंद की? आपके पुत्र ने तो वीर अभिमन्यु से भी कहीं अधिक महत्वपूर्ण कार्य किया है, और इसके लिए आने वाले सारे युग वीर घटोत्कच को प्रणाम करते रहेंगे। कर न सकेगा कर्ण अब फिर से शक्ति प्रयोग, यही सोच हरि हंस दिए दिखे दुखी सब लोग। अमर घटोत्कच ने मर कर यह परमार्थ, कर्ण अरक्षित हो गया हुआ सुरक्षित पार्थ। वीर घटोत्कच के वीर गति को प्राप्त होने के बाद युद्ध रुका नहीं। पांडव घटोत्कच के लिए बैठकर रोना चाहते थे, लेकिन युद्ध को बीच में रोककर वे रो तो नहीं सकते थे, इसलिए वे अपने आंसू पोंछते जाते थे और लड़ते जाते थे। उधर घटोत्कच वध ने कौरवों का हौसला बढ़ा दिया था, तो वो चढ़कर लड़ रहे थे, किंतु हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र को और ही चिंता खाए जा रही थी। मैं आपके पौत्र भीमपुत्र घटोत्कच के वध पर शोक प्रकट करता हूं महाराज। शोक तो ठीक है संजय, किंतु दुर्योधन ने यह बड़ी ही मूर्खता का प्रदर्शन किया है। देवेंद्र की दी हुई अचूक शक्ति उसने घटोत्कच पर चलवा दी। उसका प्रयोग तो वासुदेव वध या अर्जुन वध के लिए होना चाहिए था। यदि इन दोनों में से कोई एक भी वीर गति को प्राप्त हो जाए तो मेरे दुर्योधन की विजय में कोई संदेह ही नहीं रह जाता। हे राजेंद्र, राजकुमार दुर्योधन वहां रणभूमि में है और आप यहां, उन्होंने इसी को उचित जाना होगा कि घटोत्कच को सामने से हटा दिया जाए, क्योंकि स्वयं आचार्य द्रोण उसके आगे विवश दिखाई दे रहे थे और उनकी विवशता सेना के उत्साह के लिए भारी पड़ रही थी। इसलिए रणनीति की दृष्टि से तो राजकुमार ने ठीक ही निर्णय लिया था। और मैं देख रहा हूं महाराज कि घटोत्कच के सामने से हटते ही आचार्य बाढ़ पर आई हुई नदी की भांति लग रहे हैं, जो किसी के रोके नहीं रुक रही।
पांडव सेना को भागने का मार्ग नहीं मिल रहा। सेना की यह दशा देखकर विराट नरेश आचार्य की ओर जा रहे हैं। हे आचार्य, दिव्यास्त्रों का प्रयोग आपको शोभा नहीं देगा। क्यों? क्या इसलिए कि मैं अर्जुन की सेना के विरोध में युद्ध कर रहा हूं? मैं इन देवताओं को भली भांति जानता हूं। हे देवेंद्र, क्या मैं ये नहीं जानता हूं कि अंगराज से सूर्यदेव का दिया हुआ कवच कुंडल मांगने वाले आप ही थे? हे आचार्य, मैं यहां पर सब देवताओं का प्रतिनिधि बनकर आया हूं। मेरी आपको उन सब की ओर से प्रार्थना है कि आप दिव्यास्त्रों का प्रयोग ना कीजिए। यही सब ऋषियों की भी इच्छा है। दिव्यास्त्र केवल धर्म की रक्षा के लिए होते हैं। आपने ये कैसे जान लिया कि मैं धर्म के मार्ग पर नहीं हूं? हे देवेंद्र, मैं अपने धर्म के मार्ग पर हूं और जिनसे युद्ध कर रहा हूं वे अपने धर्म के मार्ग पर है। ठहरो भरद्वाज पुत्र, ठहरो। परमपिता ब्रह्मा को भरद्वाज पुत्र द्रोण का प्रणाम स्वीकार हो। मैं इस समय रक्त की एक नदी के बीच में हूं, फिर भी आप आदेश दीजिए कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। आदेश कैसा भरद्वाज पुत्र? नारायण का नाम लो और दिव्यास्त्रों का प्रयोग न करो। इससे ब्राह्मण मर्यादा का उल्लंघन होगा। तुम्हारा मार्ग विद्यादान का मार्ग है। तुम अपने मार्ग को छोड़कर क्षत्रियों के भांति इस रक्त की नदी में स्नान करने कहां गए? मेरे गुरु परशुराम भी ब्राह्मण है परमपिता, और वो इस रक्त की नदी में 21 बार स्नान कर चुके हैं। जिसके हाथ में वेद है वही ब्राह्मण कहलाता है, किंतु जब वही व्यक्ति पोथी रखकर हाथ में शस्त्र उठा ले तो क्षत्रिय हो जाता है। कौरव सेना का प्रधान सेनापति होने के नाते इस समय कौरव सेना और हस्तिनापुर शासन की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। मुझे कर्तव्य पालन से ना रोकिए। हे आचार्य, कहना मेरा धर्म है। यदि तुम ब्राह्मण मर्यादा का उल्लंघन करने पर तुल ही गए हो तो मैं तुम्हें रोक नहीं सकता। तुम चाहे किसी भी शस्त्र का प्रयोग करो, किंतु यह तुम भली भांति जानते हो दृष्टद्युम्न ने जन्म क्यों लिया है। परमपिता ब्रह्मा, आपकी इच्छा की सीमा रेखा तो कोई पार नहीं कर सकता। मैंने तो द्रुपद से ये नहीं कहा था कि वो आश्रम से जाते जाते मुझे कोई वचन देता जाए? मेरी पत्नी तो मेरे पुत्र अश्वत्थामा के होठों पर पिसे हुए चावल का लेप लगा दिया करती थी, ताकि वो अपने आयु के बालकों से जाकर कह सके कि वो दूध पीकर आया है। द्रुपद ने जो मुझे वचन दिया था उसका पालन स्वयं उसने तो नहीं किया, किंतु उसके वचन का पालन मैंने अवश्य किया। मैंने उसे आधा राज्य देकर उसे अपने बराबर कर लिया, किंतु मेरा वो कायर मित्र द्रुपद फिर भी अपने अहंकार के आकाश से नीचे नहीं उतरा। जिस अर्जुन ने उसे युद्ध में परास्त किया था उसके साथ तो उसने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया, किंतु वो ये भूल गया कि ये ब्राह्मण द्रोण उसका मित्र है। हे परमपिता, यदि फिर भी अपराध मेरा ही सिद्ध होता है तो यही सही। उसने जब इंद्रप्रस्थ में अपने पुत्र के लिए मुझसे आशीर्वाद मांगा था तो उसे भी मैंने नहीं नकारा। क्या मैं ये नहीं जानता था कि उसके आशीर्वाद मांगने में क्या रहस्य है? मैं जानता था, फिर भी मेरा मित्र अपने पुत्र के लिए मुझसे आशीर्वाद मांग रहा था। हे परमपिता,
मैं धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में भी दृष्टधूम को दिए हुए आशीर्वाद से घबराकर महाराज धृतराष्ट्र का त्याग नहीं कर सकता। मैं उस राज परिवार का ऋणी हूं। कल तक जिसकी गौशाला में एक गाय नहीं थी, आज उसकी गौशाला में सहस्त्रों गाय। इसलिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। मैं जानता हूं कि अंत में विजय पांडवों की ही होने वाली है, उनकी ही विजय होनी चाहिए, किंतु मैं इस हारने वाली सेना का प्रधान सेनापति हूं और अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूं। ब्राह्मण, तुम रणभूमि में क्या कर रहे हो? तुम आश्रम में जाओ और राजपुत्रों को शिक्षा दो कि यही तुम्हारा धर्म है। हे विराट नरेश, यदि वो कंधे पर तुनीर और हाथ में वो धनुष केवल सज्जा के लिए नहीं है तो युद्ध करो। तो अपने सारथी से कहो कि वो भी इसे सोचना प्रारंभ कर दे कि किस ओर से ले भागना सहज होगा, कि तो वह तुम्हारे रथ को जिधर से निकाल ले जाने का यत्न करेगा, मेरे बाण तुम्हारे भागने का वो मार्ग बंद कर देंगे। हे ब्राह्मण, चलाओ अपना ब्रह्मास्त्र। ये ब्रह्मास्त्र तुम्हारी छाती खाने योग्य नहीं है। सावधान, विराट नरेश की ओर ले चलो सारथी। विराट नरेश के पद पर मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। तुम विराट नरेश जैसे वीर हर वर्ष नहीं, हर युग के भाग्य में नहीं होते। तुमने वीरता के इस सूर्य का वध किया है। तुम यदि तुम मेरे रथ के सामने से अपना रथ हटाकर ना ले गए मित्र, तो मुझे वीरता के एक और सूर्य के अस्त का कारण बनना पड़ेगा। हे मित्र, ये हमारी अंतिम भेंट है, आओ एक दूसरे को प्रणाम करते हैं। तुम तो मेरे प्रणाम के योग्य भी नहीं हो। तुम Thank you.
संजय, द्रोणाचार्य ने मेरे नमक और मेरी कृपाओं का ऋण आज चुका दिया है। एक ही दिन में विराट नरेश और द्रुपद के वध मेरे दुर्योधन के लिए अति शुभ हैं। अब यदि वे केवल एक वासुदेव को दुर्योधन के मार्ग से हटा दें तो मेरे पुत्र का भविष्य सुरक्षित हो जाए। अपने 98 पुत्रों की मृत्यु पर रोने वाला यह वृद्ध पिता आज प्रसन्न है। संजय सचमुच प्रसन्न है। देखो अब वे किसका वध कर रहे हैं। इस समय तो राजकुमार दुर्योधन उनसे कुछ कह रहे हैं महाराज। वो अवश्य उनकी प्रशंसा कर रहा होगा। ध्यान से सुनो और मुझे एक एक शब्द बताओ। गुरुदेव, मैं विराट नरेश राजा द्रुपद के वध से संतुष्ट नहीं। मुझे पांडवों का शव चाहिए। उनका वध सहज नहीं है दुर्योधन। यदि यह सहज होता तो मैं आपसे कहता ही क्यों। गुरुदेव, आपके पास तो दिव्यास्त्र है। आपसे तो देवलोक वाले भी युद्ध नहीं कर सकते और आप अपने ही सिखाए हुए 5 पांडवों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यदि उनका वध आपसे जागते में संभव नहीं तो उन्हें सोते हुए मार डालिए। मैं कपट संग्राम नहीं कर सकता हूं दुर्योधन। जाओ मुझे युद्ध करने दो। पितामह की भांति युद्ध करना तो आप चाहते नहीं गुरुदेव। और एक बात ध्यान रहे कि युद्ध केवल विजय के लिए ही किया जाता है और आप तो मेरी विजय के लिए युद्ध कर ही नहीं रहे हैं। मेरे 98 भाई वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं और वे 5 के 5 पांडव अब तक जीवित हैं। मैं योद्धा हूं दुर्योधन, यमराज नहीं हूं। सारथी, रथ आगे बढ़ाओ। मैं सब कुछ देख रहा हूं पार्थ, सब देख रहा हूं। आज के आचार्य द्रोण को युद्ध में कोई पराजित नहीं कर सकता। युद्ध में पराजित नहीं कर सकता तो क्या आज हम ये युद्ध हार जाएंगे केशव? मैंने ये तो नहीं कहा था पार्थ, किंतु ये अवश्य कह रहा हूं कि युद्ध के सारे नियमों का पालन करते हुए आज के आचार्य द्रोण को कोई युद्ध में पराजित नहीं कर सकता। धर्म की रक्षा के लिए यदि धर्मेतर का सहयोग भी लेना पड़े तो इसमें कोई क्षति नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं गिरिधर? मैं तो केवल एक क्रियात्मक बात कर रहा हूं कौंते। जो धर्म का विरोध कर रहा हो वो तो स्वयं ही अधर्म का प्रतीक हुआ ना, तो उसे धर्म के मार्ग से हटाना तो सबका कर्तव्य भी हुआ। तो ऐसे व्यक्ति को धर्म के मार्ग से हटाने वाला धर्मेतर तो धर्म ही हो गया ना पार्थ। ये तो कोरा तर्क है वासुदेव। तर्क ही जीवन का आधार है अर्जुन। विश्वास का अंकुर यदि तर्क की भूमि से फूटे तभी जीवित रह सकता है। तुम ये तो मानते हो ना कि ये युद्ध तुम्हारे लिए धर्म युद्ध है? अवश्य मानता हूं। और तुम ये भी अवश्य मानते हो कि आचार्य द्रोण धर्म की विजय के मार्ग में सबसे बड़ी रुकावट है? हाँ, यह भी अवश्य मानता हूं। तब तो तुम ये अवश्य मानोगे पार्थ कि धर्म की विजय के लिए आचार्य की पराजय अनिवार्य है। और ये मान लो पार्थ कि धर्म का पालन कभी अधर्म नहीं हो सकता। पार्थ,
पितामह भीष्म के सामने शिखंडी को खड़ा करते समय तो तुम तनिक भर भी नहीं हिचकिचाए थे। तो अब क्या करना चाहिए केशव? बस एक ही उपाय है पार्थ, आचार्य द्रोण को यह विश्वास दिलवाना पड़ेगा कि अश्वत्थामा वीर गति को प्राप्त हुआ है। ये शोक उनसे सहन नहीं हो पाएगा और वे धनुष रख देंगे। नहीं केशव, मैं क्षमा चाहता हूं किंतु इन दामों में युद्ध नहीं जीतना चाहता। युद्ध जीतने या ना जीतने वाले तुम कौन होते हो पार्थ? अधर्म के विरुद्ध युद्ध करना तुम्हारा धर्म है तो तुम केवल अपना कर्म करो। कर्म फल तो तुम्हारे वश में है ही नहीं। किंतु मैं असत्य के वाण चलाने की कला नहीं जानता हूं मधुसूदन। धर्मराज युधिष्ठिर, क्या आप भी धर्म का पक्ष नहीं लेंगे? यदि धर्म की विजय का कोई और उपाय नहीं तो मैं ये पाप का बोझ उठाऊंगा वासुदेव, मैं ये पाप का बोझ उठाऊंगा। सागर मंथन के पश्चात केवल अमृत हाथ नहीं आता बड़े भैया, विष भी हाथ आता है और जो उस विष को पी जाए वो शिव कहलाता है। क्या बाली वध में मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने युद्ध के नियमों का पालन किया था? उस गजराज का नाम आप जानते हैं मजरे भैया? इसका नाम अश्वत्थामा है वासुदेव। संभले रहिएगा बड़े भैया, हो सकता है कि आचार्य मजले भैया की बात ना माने और आपसे पूछने चले आए। मैंने अश्वत्थामा का वध कर दिया गुरुदेव, मैंने अश्वत्थामा का वध कर दिया, मैंने अश्वत्थामा का वध कर दिया गुरुदेव, मैंने अश्वत्थामा का वध किया गुरुदेव। सारथी, रथ युधिष्ठिर की ओर ले चलो। मुझे तुम्हारा प्रणाम नहीं चाहिए धर्मराज युधिष्ठिर, मुझे सत्य चाहिए। क्या ये सत्य है कि मेरे पुत्र अश्वत्थामा का वध हो गया? मेरे प्रश्न का उत्तर दो धर्मराज, मेरे प्रश्न का उत्तर दो। अश्वत्थामा हता इति ये तुमने क्या कहा संजय? एक युद्ध जीतने के लिए प्रिय युधिष्ठिर झूठ बोला? धर्मराज युधिष्ठिर, इस वासुदेव ने मेरे वत्सों को बिगाड़ दिया है संजय, बिल्कुल ही बिगाड़ दिया है। किंतु उनका तर्क भी तो विचारणीय था महाराज। तुम्हें तो वे सारे तर्क विचारणीय ही लगते हैं संजय, जो मेरे और मेरे पुत्रों के हितों को नकारने वाले होते हैं।
आचार्य की दशा बताओ। जो आगे महाराज। आचार्य ने अपना धनुष रख दिया है और कौंतेय भीम उनसे कुछ कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ब्राह्मणों को शिक्षा देने का कार्य शोभा देता है गुरुदेव, आप क्षत्रियों के क्षेत्र में कहां आ गए? ये तुम्हारे गुरु के शस्त्र है कुंती नंदन, कुचल डालो इन्हें अपने रथ के पहिए से। किंतु मुझे अब भी विश्वास नहीं होता कि मेरा पुत्र अश्वत्थामा तुमसे पराजित हो गया होगा। पर धर्मराज युधिष्ठिर झूठ नहीं बोलता, इसलिए मैं अपने शस्त्रों को त्याग रहा हूं। शिष्य भी पुत्र समान होता है, और यदि तुम मेरे शिष्य न रहे होते पुत्र भीम, इस समय तुम मेरे सामने ना खड़े होते, तुम्हारा शव पड़ा होता। अपराध किया सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर? पांचाली! रुक क्यों गए? बढ़ो,
अपने और मेरे वीरन दृष्टद्युम्न के बीच से मुझे हटा दो। पांडव परिवार में मेरा महत्व ही क्या है? हे महावीर, मैं वही द्रौपदी हूँ जिसे बालों से पकड़कर हस्तिनापुर राज्यसभा में घसीट कर लाया गया था। मैं वही द्रौपदी हूँ जिसका वस्त्र हरण करने का प्रयत्न किया गया था और पांचों शूरवीर कौंतेय देखते रह गए थे। हे धनंजय, जिन द्रोणाचार्य के वध पर तुम्हें इतना क्रोध है वो भी उस राज्यसभा में थे, और केवल थे ही नहीं चुप भी थे। जब मेरा निहत्ता और घायल पुत्र अभिमन्यु मारा गया तो उसके हत्यारों के नेता भी वही द्रोणाचार्य थे। मेरे पिता के शव को अंतिम प्रणाम नहीं कर सकता। धर्मराज युधिष्ठिर, तुमने जिसकी मृत्यु का समाचार मेरे पिता को दिया था वो मैं हूं। मैं कायर कुंती पुत्रो, मुझे ध्यान से देखो, मैं तुम्हें इस कायरता के लिए कभी क्षमा नहीं करूंगा। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम सब कायरों को मेरे पिता की हत्या का मोल चुकाना होगा। क्या आशीर्वाद लोगे पुत्र, तुम्हारे लिए विजय श्री का आशीर्वाद तो मेरे पास नहीं। क्या लंबी आयु का आशीर्वाद लेना चाहोगे? नहीं पितामह, किसी हारने वाली सेना का प्रधान सेनापति लंबी आयु का आशीर्वाद क्या करेगा? दे सकिए तो यह आशीर्वाद दीजिए पितामह कि मैं दुर्योधन के रण से मुक्त हो जाऊं। प्रधान सेनापति? जी पितामह। तो क्या आचार्य द्रोण? हे हस्तिनापुर, तेरे भाग्य में कैसों कैसों से बिछुड़ना लिखा है। लगता है कि दुर्योधन का अंतिम समय आते आते कोई नहीं बचेगा। उसमें बहुत खोट है पुत्र, किंतु फिर भी मेरा हृदय उसके लिए दुखता रहता है। यदि धृतराष्ट्र ने उसकी आंखों पर अपनी महत्वाकांक्षा की पट्टी न बांधी होती पुत्र,
तो इस प्रकार कभी अपने सर्वनाश के मार्ग की ओर न दौड़ता। तुम्हारे प्रधान सेनापति होने का अर्थ यह पुत्र कि अब तुम भी उसे त्यागने वाले हो। तुम उसके मित्र हो, उससे जाकर कहो कि वह एक क्षत्रिय है और क्षत्रिय को किसी का दास होना शोभा नहीं देता। मुझे आज्ञा दीजिए। प्रणाम पितामह। प्रणाम केशव। ये सूत पुत्र यहां क्यों आया था केशव? दानवीर कर्ण को घड़ी घड़ी सूत पुत्र कहकर अपना अपमान न किया करो पार्थ। ये वीरों की भाषा नहीं है, वीरों की शैली नहीं है। मैं अंगराज कर्ण की माता को जानता हूं कुंती पुत्र अर्जुन, वो अति आदरणीय है। तो क्या आप कर्ण की माता को जानते हैं? माताएं तो एक सी होती हैं प्रिय नकुल, और माता चाहे किसी की हो सदैव आदरणीय है। वासुदेव का प्रणाम स्वीकार कीजिए गंगा पुत्र। आशीर्वाद नहीं देंगे गंगा पुत्र? नहीं, तुम्हारे दर्शन का प्रसाद पाकर मैं धन्य हो गया। हे यशोदा नंदन, गोकुल के घरों से चुराए गए माखन से एक उंगली माखन मुझे चटा दो कि मेरा जीवन सफल हो जाए। हे महापुरुष, सफलता और असफलता तो केवल दो शब्द हैं, और आज आपसे अधिक ये सच्चाई कौन जानता है कि अपने आप में इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं है। विजय पराजय, सफलता असफलता, ये तो परिणामों के अलग अलग नाम हैं गंगा पुत्र, और परिणाम तो कभी आपके हाथ में नहीं था। क्या आपने भीष्म प्रतिज्ञा करते समय आप उसका परिणाम जानते थे? यदि जानते होते तो निस्संदेह आप वो प्रतिज्ञा कभी नहीं करते। फिर यदि ऋषि किंदम का शाप आड़े ना आ गया होता तो महाराज पांडु ही राज कर रहे होते, और महाराज धृतराष्ट्र को सिंहासन पर बैठने और मुकुट पहनने का चस्का ही न पड़ा होता, और उनका पुत्र दुर्योधन उनकी महत्वाकांक्षा के नरक में न पला बढ़ा होता। और यदि ये सब कुछ न हुआ होता पितामह, तो आप वाणों की इस शैया पर न होते। ये आपकी प्रतिज्ञा की कर्म भूमि है गंगा पुत्र, और आपकी वो प्रतिज्ञा आज इसलिए यहां लहूलुहान पड़ी है कि आप उसका परिणाम नहीं जानते थे। इसलिए जो कुछ हुआ या जो कुछ हो रहा है या जो कुछ होने वाला है, उसके लिए आप अपने को उत्तरदायी न समझिए। आपके मोक्ष पर आपका अधिकार सिद्ध है पितामह। पुत्र युधिष्ठिर, आज तुम भाइयों की गर्दने अपने सिरों का बोझ क्यों नहीं उठा पा रही? आज हमसे एक घोर अपराध हो गया है पितामह। अपराध? क्या तुमने पीठ पर घाव खाए हैं? नहीं पितामह, नहीं। तो क्या तुम में से किसी ने किसी निहत्थे योद्धा का वध किया है? ये अभिमन्यु की बात करने नहीं आए हैं गंगा पुत्र। तो इन्होंने क्या किया है वासुदेव? ये तो इन्हीं को बताने दीजिए।
तो फिर ये मौन उड़े क्यों खड़े हैं? बोलते क्यों नहीं? इनका अपराध लक्षाग्रह, द्युत क्रीड़ा भवन या कुलवधू द्रौपदी के अपमान के उस अश्लील दृश्य से बड़ा अपराध तो नहीं हो सकता। गुरु और द्रोणाचार्य, गुरु और द्रोणाचार्य का वध मेरे एक झूठ ने किया है पितामह, एक झूठ ने। झूठ? धर्मराज युधिष्ठिर, तुम झूठ बोले? तुम लोग जाओ यहां से। यदि ये मेरे वश में होता तो मैं इस क्षण को अपने जीवन काल से निकाल देता जिसने मुझे ये सुनवाया है कि मेरा प्रिय युधिष्ठिर झूठ बोला है। माता सत्यवती, माता सत्यवती, यदि आप एक एक करके सारे अप्रिय क्षणों को अपने जीवन काल से निकालते रहेंगे गंगा पुत्र, तो आपके पास तो कोई जीवन काल ही नहीं बचेगा। आचार्य द्रोण को ये पांचों भाई मिलकर भी पराजित नहीं कर सकते थे तो ये क्या करते? क्या ये धर्म युद्ध हार जाते? कि दुर्योधन इतिहासकारों से ये लिखवा लेता कि भरत वंश की कुलवधू द्रौपदी वेश्या थी, कि लाक्षाग्रह का षड्यंत्र रचा ही नहीं गया था, कि इस धर्म युद्ध में वो धर्म के पक्ष में था। आचार्य द्रोण ने महाराज धृतराष्ट्र के नमक को प्रधान माना और धर्म की ओर ध्यान नहीं दिया। परंतु ये सब अकेले नहीं थे यशोदा नंदन, तुम इनके साथ थे। हे चक्रधर, तुम्हारे सामने भला कोई भीष्म या कोई द्रोण कितने पल टिक सकता था? किंतु मैं तो वचनबद्ध हूं गंगा पुत्र कि इस युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो क्या तुम मुझ पर नहीं दौड़ पड़े थे? वो तो आपकी वीरता को मेरा प्रणाम था गंगा पुत्र भीष्म, मेरा प्रणाम था। मैंने तो सुना था कि तुमने अपना नटखटपन वहीं गोकुल में छोड़ दिया था यशोदा नंदन। अर्थात आपने इन्हें क्षमा कर दिया ना पितामह? तुम्हारी अनुशंसा को कौन नकार सकता है वासुदेव? द्वारपाल, मद्र नरेश से कहो कि राधे द्वार पर खड़ा उनकी प्रतीक्षा कर रहा। जो आ गया। विलंब के लिए क्षमा चाहता हूं प्रधान सेनापति। मुझे लज्जित न कीजिए मद्र नरेश, मैं ही इस उत्तेजना में समय से पहले आ गया था कि आज आप मेरे सारथी बनकर मुझे सम्मानित करने वाले हैं। उधर से वासुदेव और इधर से आप। अकेला सारथी क्या करेगा अंगराज, मैं तो केवल तुम्हें अर्जुन के अचूक बाणों से बचाने का प्रयत्न ही कर सकता हूं। अकेला सारथी कर ही क्या सकता है, उधर से अर्जुन के अचूक बाण आएंगे। मैं जानता हूं महाराज, किंतु आप भी ये जान लीजिए कि इधर से राधे के भी अचूक वाण जाएंगे। मैं ये सब जानता हूं अंगराज, जानता हूं, किंतु तुम स्वयं भी तो विराट के युद्ध में अर्जुन के अचूक वाणों की नोक देख ही चुके हो। अकेले अर्जुन के सामने तो पूरी की पूरी कौरव सेना नहीं टिक पाई थी, और वो सेना जिसमें कैसे कैसे महान योद्धा थे, गंगा पुत्र भीष्म, आचार्य द्रोण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, तुम और दुर्योधन। और फिर ये भी सोचो, वो लड़ाई तो वो केवल विराट राज के लिए लड़ रहा था, किंतु ये युद्ध तो उसका अपना युद्ध है।
लाक्षग्र, द्यूत क्रीड़ा, द्रौपदी अपमान और इन सभी घावों से कहीं अधिक गहरा घाव अभिमन्यु वध। उसने इतने सारे घावों के कवच पहन रखे हैं अंगराज, इन कवचों को तो ब्रह्मास्त्र भी नहीं भेद सकता अंगराज, ब्रह्मास्त्र भी नहीं। संजय, ये तो खुला हुआ पक्षपात है। शल्य को इस प्रकार सारथी की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। मर्यादाओं की बात न कीजिए महाराज। क्यों क्यों ना करूंगा मर्यादाओं की बात? ना भी अभिमन्युवत को बहुत दिन हुए हैं महाराज, और न ही द्रोणवत को। भरत वंश में मर्यादाओं का मूल्य बहुत गिर चुका है महाराज। चंद्रवंशियों का चंद्र ग्रहण में है और यह अंधकार बड़ा विषैला है। कौन जाने इस गुप्त अंधेरी रात का अंत कब होगा और कब हस्तिनापुर को सूर्य के दर्शन होंगे। मर्यादाएं मर मिटी, घिरी अंधेरी रात, आदर्शों की अब कहीं सुने न कोई